मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। आधी रात को कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर 8 विधायकों को गुरुग्राम के एक लग्जरी होटल में बंधक बनाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर कमलनाथ सरकार को गिराने की कोशिश करने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस हरकत में आई और आधी रात को विधायकों को गुरुग्राम के होटल से निकाला गया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट के अनुसार इनमें से 4 विधायक कांग्रेस पार्टी, 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी और 1 विधायक समाजवादी पार्टी से है, जबकि 1 विधायक निर्दलीय है। तरुण भनोट ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री जीतू पटवारी और मंत्री जयवर्धन सिंह के होटल पहुंचने पर उन्हें विधायकों से मिलने नहीं दिया गया था। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के लोगों ने मंत्रियों से गुंडागर्दी की है। साथ ही कहा है कि बीजेपी खुलेआम कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए का लालच दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स।